स्वागत है आप सभी का डीएम ऑटो कॉर्नर में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको हीरो की तरफ से न्यूली लॉन्च मैवरिक 440 टॉप मॉडल के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो हाल ही में इस बाइक को कंपनी ने टोटल 3 वेरिएंट और 5 कलर ऑप्शन में लॉन्च किया है। बेस मॉडल की एक्स शोरूम आती है 1,99,000, टॉप मॉडल तक जाती है 2,24,000 रुपये। तो इस टॉप वाले मॉडल में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, माइलेज कितना दे सकती है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो कलर के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैवरिक 440 के टॉप वाले मॉडल में आपको दो कलर मिलते हैं, मैट ब्लैक और ग्लॉसी ब्लैक। और जो मिड वाला मॉडल है उसमें आपको रेड और ब्लू कलर मिल जाता है, लेकिन जो तीसरा बेस मॉडल है उसमें सिर्फ आपको एक वाइट कलर का ही ऑप्शन मिल जाएगा। अब बाइक के फ्रंट में आते हैं तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा वाइजर मिल जाता है, थोड़ा सा क्रोम का ट्रीटमेंट आपको मिलेगा, गोल हेडलाइट आपको मिलती है, एच शेप के LED DRL मिलते हैं जो कि हीरो को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर आपको LED वाले विंकर्स मिल जाते हैं, साथ में हैजार्ड स्विच भी आपको मिल जाएगा। अगर आप बीच वाले पोर्शन में देखेंगे तो हीरो की यहाँ पर 3D में लोगो दी गई है। और इस बाइक में आपको ऑटो हेडलाइट इल्यूमिनेशन वाला फीचर्स मिल जाता है। सबसे पहले मैं इसकी हेडलाइट के यहाँ पर ऑन कर देता हूँ, तो आप देखेंगे इसकी जो हेडलाइट है वो अभी ऑन नहीं हुई है। अगर इसके मीटर के ऊपर में एक सेंसर लगा होता है, यहाँ पर अगर मैं हाथ रख देता हूँ तो इसकी जो हेडलाइट है वो यहाँ पर ऑन हो जाती है। आप देख भी सकते हैं ऊपर में LED हेडलाइट आपको मिलती है, जबकि नीचे में आपको LED प्रोजेक्टर का पूरा सेटअप आपको मिल जाता है। अगर आप इस बाइक को अंधेरे में भी चलाओगे तो रात में आपको इसकी हेडलाइट से काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी मिल जाएगी। अभी हम बंद करते हैं इसके इंजन को। वही फ्रंट में यहाँ पर आपको 43 mm के काफ़ी मोटे मोटे टेलीस्कोपिक फॉर्क मिल जाते हैं। यहाँ तक कि जो मडगार्ड है ये भी आपको मेटल बॉडी का मिलता है, ये जो जॉइंट हैं ये भी आपको एल्यूमिनियम बॉडी के मिल जाते हैं। तो बिल्ड क्वालिटी और जो फिट एंड फिनिश है वो काफ़ी अच्छी यहाँ पर दी गई है। 320 mm की फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलती है, जिसमें वाइब्रे के कैलिपर आपको मिलते हैं, दोनों साइड में रिफ्लेक्टर और यहाँ पर MRF का टायर है जेपर वाला। और भाई इसका जो साइज़ है वो है 110/70/17 प्रोफाइल का, और 17 इंच का यहाँ पर डायमंड कट अलॉय दिया गया है। और साथ में डुअल चैनल ABS आपको इसके तीनों ही बेस मिड और टॉप वाले मॉडल में मिल जाएगा। पीछे में चलते हैं तो यहाँ पर 240 mm की रियर में डिस्क ब्रेक मिलती है, पीछे भी आपको ABS मिल जाएगा। पीछे वाला जो टायर है वो आपको भाई रेडियल ट्यूबलेस मिल जाता है, इसका जो साइज़ है वो है 150/60/8/17 का रेडियल ट्यूबलेस टायर मिलता है। तो भाई काफ़ी वाइड और काफ़ी चौड़ा टायर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। पीछे की जो टेल लाइट है वो आपको एच शेप में दी गई, जो कि हीरो को भी रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर हीरो की बैजिंग है, और जो इंडिकेटर हैं वो भी आपको छोटे छोटे मिल जाते हैं। और पीछे का जो लुक है वो काफ़ी यूनिक और स्टाइलिश है। यहाँ पर जो ग्रैब हैंडल है ये भी आपको काफ़ी स्टाइलिश मिल जाता है। अगर मैं सीट कंफर्ट की बात करूँ तो यहाँ पर जो सीट है वो आपको डुअल टोन फैब्रिक के साथ मिलती है, जैसा कि ये टॉप वाला मॉडल है। लेकिन सीट के अंदर की जो कुशन है, ये जो फॉर्म है, वो काफ़ी ज़्यादा मुलायम आपको मिल जाएगी। सीट हाइट की बात करते हैं तो इसमें 803 mm की सीट हाइट मिल जाती है। बाकी जो काउल वाला जो पोर्शन है ये प्लास्टिक का है, ये भी प्लास्टिक है, लेकिन जो क्वालिटी है प्लास्टिक की वो काफ़ी ठीक ठाक है। और यहाँ पर एक्स टॉर्क लिखा हुआ है, मतलब कि इसमें एक्स्ट्रा टॉर्क आपको मिलता है। और यहाँ पर थोड़ा सा मैट गोल्डन कलर है, क्रोम है, ब्लैक कलर है, और थोड़ा सा मैट ग्रे कलर का इस्तेमाल किया गया है। अब मैवरिक 440 के टॉप वाले मॉडल में जो लोगो है वो आपको 3D में मिलता है क्रोम के साथ, नीचे में 440 का स्टिकर दिया गया है। और ये जो कलर है वो आपको टॉप वाले मॉडल में ही मिलेगा, बेस और मिड में नहीं मिलेगा। एक ये ग्लॉसी ब्लैक है, दूसरा आपको मैट ब्लैक मिल जाता है। यहाँ पर मैवरिक 440 लिखा हुआ है, 13.5 लीटर का मेटल बॉडी का टैंक है, और यहाँ पर आपको मिल जाता है भाई USB मोबाइल चार्जिंग का पोर्ट। E20 फ्यूल को पूरी तरह से ये बाइक सपोर्ट करती है। अगर आप बाइक की साइड प्रोफाइल को देखोगे तो भाई बाइक पूरी तरह से एक नई बाइक है, मतलब कि डिज़ाइन इसकी टोटल नई है। हाले की जो डेविडसन X440 आती है उससे टोटल अलग है, लेकिन जो इंजन है वो वही है, हाले डेविडसन X440 में यूज होता है, लेकिन जो पावर और जो टॉर्क है वो इसका थोड़ा सा अलग दिया गया है। और यहाँ पर जो फिट एंड फिनिश है, जो पैनल गैप है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छे दिए गए हैं, तो कोई भी पैनल गैप यहाँ पर नहीं है। और जो काउल है वो भी काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी का है, और यहाँ पर हीरो की बैजिंग दी गई है। और चलते हैं भाई इसके मीटर की तरफ, और इसमें आपको ना SOS इमरजेंसी अलर्ट वाला फीचर्स भी मिल जाता है, जो आपको हीरो की एक्सट्रीम 160R में भी मिलता है, और जो हाले की डेविडसन X440 आती है उसमें भी मिलता है। यहाँ पर हैजार्ड का बटन है। जो स्विच की जो क्वालिटी है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। सबसे पहले आपको इसका साउंड सुना देता हूँ भाई कैसा है। अब कंपनी बोलती है कि इसका जो साउंड है वो हाले डेविडसन X440 से थोड़ा सा थम्पी है, थोड़ा सा अलग है, सेम ऐसा नहीं है, सुन भी लो।
थोड़ा सा सुन लो आप। ये इंजन का साउंड है, तो आपको इसका साउंड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हैंडल बार इसमें आपको अपराइट मिल जाती है जो कि थोड़ी सी ऊंची है, तो चलाते समय आपको झुकना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर आपको पासिंग अपर डिपर एक ही बटन में मिलेगा। जो क्लच है, क्लच आपको काफ़ी लाइट मिलती है, बार एंड आपको मेटल बॉडी के मिलते हैं। यहाँ पर हीरो की बैजिंग है, ये है इंडिकेटर, ये है हॉर्न, ठीक है। अब चाबी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको करिश्मा की जो XMR आई थी कुछ उसी तरह की यहाँ पर आपको चाबी मिल जाती है, जो कि वेब की है हीरो की बैजिंग के साथ। अब इसमें जो मीटर है वो आपको फुल डिजिटल आपको मिल जाता है LCD वाला, जिसमें नीचे में लो फ्यूल है, हेडलाइट है, यहाँ पर चेक इंजन की लाइट है, ऑयल इंडिकेटर है, ABS की वार्निंग लाइट है, यहाँ पर टर्न सिग्नल इंडिकेशन की वार्निंग लाइट है, यहाँ पर साइड स्टैंड है, गियर न्यूट्रल इंडिकेटर है, हेडलाइट है, यहाँ पर आपको मिलता है भाई स्पीडोमीटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाता है, यहाँ पर RPM मीटर मिल जाता है, यहाँ पर आपको मिलता है भाई ओडोमीटर, ट्रिम मीटर, यहाँ पर आपको फ्यूल गेज दिया गया है, यहाँ पर घड़ी भी आपको मिल जाती है, रियल माइलेज इंडिकेटर आपको मिल जाएगा और रेंज भी आपको देखने को मिल जाएगी। और इसमें आपको ना ऑटो हेडलाइट इल्यूमिनेशन वाला फीचर्स मिलता है, यहाँ पर ये वाला एक सेंसर दे रखा है। अगर ये बाइक अंधेरे की साइड से गुजरती है और ये अगर मैं बंद कर देता हूँ तो इसकी जो हेडलाइट है ना वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है, आप देख भी सकते हैं। ये देखो मैंने ऊपर में हाथ रख लिया है, ठीक है, जब ये इंजन इसका चालू रहेगा तो इसकी हेडलाइट यहाँ पर ऑन हो जाएगी, ठीक है। और इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आपको मिल जाती है, जिसमें SMS अलर्ट, कॉल अलर्ट, मिस कॉल अलर्ट, और जो ब्लूटूथ और जो GPS नेविगेशन है वो आपको इसके बेस में, मिड में और टॉप वाले मॉडल तीनों में ही सेम का सेम मिल जाएगा। लेकिन इस बाइक की ना एक चीज़ मेरे को अच्छी लगी, ये जो वायरिंग वगैरह है ना प्रॉपर तरीके से इसको यहाँ पर फिट इन फिनिश के साथ यहाँ पर पूरी तरीके से इसको सजाया गया है, तो कोई भी यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ नहीं लग रही है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लापरवाही बरती गई है। अभी हम इंजन की तरफ चलते हैं भाई, तो यहाँ पर आपको एक क्रैश गार्ड मिल जाता है, 175 mm की हाई ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाती है इस सेगमेंट में। और ये है भाई इसका कैटालिटिक कन्वर्टर, इसमें आपको ऑयल कूल्ड वाला इंजन मिलता है, यहाँ पर एक ऑयल कूलर दे रखा है इंजन को ठंडा करने के लिए, सिंगल हॉर्न आपको मिल जाएगा, और इसमें स्टील ट्रेलिस फ्रेम मिल जाता है। और भाई ये जो इंजन है ये हार्ले डेविडसन X440 के प्लेटफॉर्म पर ही बना है, लेकिन जो टॉर्क है वो इसमें आपको 2 Nm का कम मिलता है, जो पावर है वो आपको X440 के बराबर ही आपको मिलती है। अगर मैं इसके इंजन और पावर की बात करूँ तो इसमें 440 cc का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड 4-stroke 4-valve इंजन, और पावर की बात करूँ तो इसमें आपको 440 cc का सिंगल सिलेंडर 4-stroke फ्यूल इंजेक्टेड OBD2 वाला इंजन दिया गया है। ये इंजन आपको 27 BHP की पावर देता है 6000 RPM तक, और 36 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 4000 RPM तक। तो भाई इसका जो पावर टू वेट रेशियो है मैं आपको बता देता हूँ, 50-50% दिया गया है, आगे वाले हिस्से में 50% है और पीछे वाले हिस्से में भी आपको 50% इसका वेट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। अभी हम पीछे में चलते हैं तो यहाँ पर जो सस्पेंशन है ये आपको एडजस्टेबल मिल जाते हैं, जो कि हाइड्रोलिक रियर ट्विन शॉक स्विंग आर्म माउंट वाले यहाँ पर दिए गए हैं। तो 1388 mm का इसका व्हील बेस दिया गया है, और इसकी जो लंबाई है बाइक की टोटल वो है 2100 mm की, और इसकी जो हाइट है बाइक की वो है 1112 mm की, और इस बाइक की जो चौड़ाई है, जो विड्थ है वो है भाई 868 mm की। 187 kg इसका वजन आता है एलो व्हील में, और स्पॉक व्हील में ये बाइक आपकी कर्ब वेट में आ जाती है 191 kg की, ठीक है। बाकी साइड में आते हैं तो यहाँ पर सब कुछ आपको वही मिलता है दूसरी साइड वाला, और ये जो फुट पैक्स हैं ये आपको फोल्डेबल मिल जाते हैं। ये वाला जो हिस्सा है ये आपको थोड़ा सा स्पेसियस मिलता है। ओपन चेन सेट कवर है जो स्विंगार में, ये आपको बॉक्सी टाइप का दिया गया, इसमें आपको 6-speed गियर बॉक्स मिल जाता है विद स्लीपर असिस्ट क्लच के साथ, और साइड स्टैंड आपको मिलेगा, इसमें आपको मैन स्टैंड कंपनी लगाकर नहीं देती है। देखो वारंटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो इस बाइक पर आपको मिलती है 5 साल की वारंटी 70,000 km तक। अब प्राइस की बात कर लेते हैं तो मैवरिक 440 के बेस मॉडल की जो एक्सोरूम आती है वो है 1,99,000 पे, और ऑन रोड कीमत जा सकती है 2,40,000 के आसपास, ठीक है। और जो मिड वाला मॉडल है उसकी एक्सोरूम है मैवरिक 440 की 2,14,000, उसकी एक्सोरूम जा सकती है 2,69,000, और जो टॉप वाला मॉडल है ये वाला, इसकी एक्सोरूम है 2,24,000 पे,
और इसकी अप्रोक्स में ऑन रोड कीमत जा सकती है 2,80,000 के आसपास। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और डीएम ऑटो कॉर्नर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।